और बड़ी खबर सीधा इस वक्त की आपको बताते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से ईडी ने जो बीएमडब्ल्यू जब्त की थी वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मानेसर के घर के पते पर रजिस्टर्ड थी, यानी कि वो कार धीरज साहू की थी जो हेमंत सोरेन के घर से ईडी को मिली थी। जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे। जितेंद्र, और क्या डिटेल्स आपके पास? जो धीरज साहू है उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हेमंत सोरेन के घर से 29 जनवरी को ईडी ने छापेमारी के दौरान जो बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर के पते पर रजिस्टर्ड, यानी कि जानकारी है कि उस बीएमडब्ल्यू का मालिकाना हक धीरज साहू के पास है, उसकी पेमेंट भी वो कर रहे थे लेकिन उस कार का इस्तेमाल हेमंत सोरेन कर रहे थे। साथ की जानकारी हेमंत सोरेन को इस्तेमाल करने के लिए दे रखी थी। ये धीरज साहू वही है जिनके यहाँ इनकम टैक्स ने कुछ समय पहले छापेमारी की थी और करीब 352 करोड़ रुपए नकदी इनके पास से बरामद की गई थी। अब ईडी ये भी जानना चाहती है कि हेमंत सोरेन और धीरज साहू का आपस में क्या कनेक्शन है, कहीं आपस में कोई खनन मामले को लेकर। बिल्कुल जितेंद्र, धीरज साहू के नाम पे रजिस्टर हेमंत सोरेन के आवास से ये बरामद हुआ, तो अब इस संदर्भ में भी ईडी पूछताछ करेगी। बने रहे आप हमारे साथ। हेमंत सोरेन मामले को लेकर के धीरज साहू को समन, धीरज साहू को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से अब पूछताछ होगी। हेमंत सोरेन मामले में धीरज साहू को समन भेजा गया है और अब ईडी ने धीरज साहू को हेमंत सोरेन मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, अब इनके नाम पे बीएमडब्ल्यू रजिस्टर्ड, हेमंत सोरेन के आवास के बाहर वो खड़ी और इसका इस्तेमाल भी हेमंत सोरेन करते थे और कुछ दिन पहले आप जानकारी भी दे रहे थे कि ईडी के रडार पे ये, इनके यहां भी जांच पड़ताल हुई थी, इनकी भी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी, यानी कि दोनों के कनेक्शंस भी हो सकते हैं आपस में। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वापस जितेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें हेमंत सोरेन के घर पर जो गाड़ी मिली थी बीएमडब्ल्यू वो रजिस्टर्ड थी धीरज साहू के नाम पर। ये वही धीरज साहू हैं जो ईडी के रडार पर थे, इनसे भी पूछताछ हुई थी और अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है इसको लेकर के ईडी पूछताछ करेगी और ईडी ने धीरज साहू को हेमंत सोरेन मामले में पूछताछ के लिए बुला भी लिया है, समन इनको भी भेज दिया गया है। अब इस मामले की भी जांच होगी, क्या ये दोनों की मिलीभगत है और ईडी ने ये गाड़ी जब्त की थी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से ये गाड़ी जब्त की थी ईडी ने जो अपने साथ लेकर के गई है और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि ये हेमंत सोरेन इस्तेमाल किया करते हैं, रजिस्टर्ड किसी और के नाम पर हैं। उस शख्स का नाम है धीरज साहू जिसका सीधा कनेक्शन कांग्रेस से। जी।